नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं खबरें मध्य प्रदेश। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। भोपाल में आयोजित चतुर्थ दीक्षांत समारोह में उप राष्ट्रपति ने नवीन परिसर माखनपुर का किया लोकार्पण। एमपी की राजधानी भोपाल में एमसीयू के नए परिसर में पहली बार दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। एमसीयू में दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एवं उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ शामिल हुई। उपराष्ट्रपति ने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बिशनखेड़ी स्थित नवीन परिसर माखनपुरम का लोकार्पण भी किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में विद्यार्थियों समेत सभी लोगों ने पारंपरिक भारतीय परिधान में पहुंचे थे। पुरुष विद्यार्थी जहां कुर्ता पजामा और सिर पर साफा पहने हुए थे, जबकि महिला विद्यार्थी साड़ी और साफे में नजर आई। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को दीक्षा दी गई। इसमें विद्यार्थियों को शपथ दिलाई गई कि आपको गौरव मिले, जिससे आपके विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़े और समस्त मानवता का कल्याण भी हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले में निमोटा में 6 करोड़ से अधिक के निर्माण कार्यों का किया भूमि पूजन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को सीहोर जिले के भैरुंदा जनपद में ग्राम निमोटा में जनसंवाद एवं हितलाभ वितरण कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने ग्राम निमोटा में 6,30,31,000 रुपये के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और विभिन्न हितग्राहियों को हित लाभ वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति शासन की किसी भी योजना का लाभ पाने से वंचित न रहे, इसके लिए मैं दिन रात प्रयत्नरत रहता हूँ। जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, उन्हें पट्टा और मुख्यमंत्री आवास योजना में पक्के मकान बनवा कर दिए जाएंगे। 36 जिलों में होगी तेज बारिश, संभाग में ऑरेंज अलर्ट। मध्य प्रदेश में 13 सितंबर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। शुक्रवार सुबह से ही भोपाल, नर्मदापुरम और छिंदवाड़ा में लगातार तेज बारिश हो रही है। गुरुवार को भी भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर समेत 20 से ज़्यादा जिलों में पानी गिरा था। ऐसे में मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी यही सब होने की संभावना जाहिर की है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, उज्जैन और सागर संभाग में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और 36 जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगी कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा। चुनाव अभियान के अंतर्गत कांग्रेस ने जनता के बीच अपनी बात पहुंचाने के लिए जन आक्रोश यात्रा निकालने का अब निर्णय लिया है। इसका प्रभारी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह राजपूत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और कमलेश पटेल को बनाया गया है। ये सभी आवंटित जिलों में यात्रा की अगुवाई करेंगे। इसकी तैयारी के लिए प्रदेश प्रभारी ने प्रभारी सचिवों के साथ बैठक की और शुक्रवार को यात्रा प्रभारी, सह प्रभारी और जिला पदाधिकारियों को भी भोपाल बुलाया। खेल अलंकरण समारोह कल, 47 प्रतिभा होंगी सम्मानित। भोपाल वर्ष 2021 और 22 के प्रदेश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार शनिवार को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खिलाड़ियों को, प्रशिक्षकों और खेलों में क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को एकलव्य, विक्रम विश्वामित्र, प्रभाष जोशी और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करेंगे। इसी समारोह में मुख्यमंत्री खेलो एमपी यूथ गेम्स का लोगो और शुभारंभ कर भी लॉन्च करेंगे। साथ ही वे खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर्स का वर्चुअल लोकार्पण भी करेंगे। जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर।